स्टेयर्स है भाई ठीक है ऐसे ऐसे करके स्टेयर्स है ये जीरो जीरो इंडेक्स का स्टेयर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंडेक्स और हर एक स्टेयर्स पे चढ़ने का ना कोई कॉस्ट है लेट से इस वाले स्टेयर्स के लिए मुझे वन टोकन देने पड़ेंगे अगर मैं सेकेंड पे जाता हूँ तो हंड्रेड टोकन देने पड़ रहे हैं अगर मैं आ, थर्ड स्टेप पे यानी कि सेकेंड इंडेक्स वाले स्टेप पे जाता हूँ तो टू टोकन देने पड़ रहे हैं एंड इसके अलावा क्या कहते हैं यू कैन आई दिस स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप विथ इंडेक्स जीरो और द इनडेप्स वन आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं वन से नाउ टेल मी और यहाँ पे लेट से अपने पास है अगेन वन ठीक है और मुझे थ्री तक पार करना है तो थ्री के आगे मतलब मुझे ये स्टेप्स पार करके यहाँ प्लेटफॉर्म तक पहुँचना है ठीक है तो वट आई कैन डू इज ये जीरो वन में कौन सा से सेंस बना रहा है वन पे राइट right? मैं वन पे आया वन पे, आया, वन पे आके आई हैव टू ऑप्शन राइट पहला ऑप्शन क्या है कि यहाँ से मैं एक स्टेप लूँ इधर या फिर मैं दो स्टेप लूँ इधर ठीक है Uh, देखो लिखा है यू कैन इधर क्लेम क्लाइम वन और टू स्टेप क्लेम क्या होता है क्लाइम वन और टू स्टेप ठीक है तो मैं एक या दो स्टेप यही ले सकता हूँ सो so, मैंने क्या कर करा यहाँ पे गया ठीक है इसके बाद आई अगेन है ऑप्शन टू यहाँ पे या फिर मैं सीधे पार करके इधर चल जाऊँ दो स्टेप में तो इस केस में मेरे लिए मिनिमम क्या हो गया वन एंड टू लेट जस्ट डिस्कस इट थोड़ा सा और कैन आई से कि मेरे पास हर एक स्टेप पे ठीक है जब जीरो स्टेप है और वन स्टेप है तो मेरे पास ज़ीरो स्टेप के लिए भी तो वो है ना पहले स्टेप के लिए भी ऑप्शन uh, है कि शुड आई टेक दिस या शुडेंट आई ठीक है या तो मुझे स्टेप लेना चाहिए या तो स्टेप नहीं लेना चाहिए स्किप करना चाहिए उसके अगले वाले पे जाओ अगर मैं इसको स्किप करता हूँ तो अगला वाला डेफिनेट हो जाएगा मेरे लिए राइट या फिर अगले का अगला अब स्टार्टिंग में तो अगला ही डेफिनेट होगा राइट उसके बाद लेट्स से अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ ठीक है तो एक्सेप्ट एक्सेप्टेंस के केस में क्या होगा या तो मुझे उसका नेक्स्ट लेना है ठीक है या फिर जो सेकेंड इंडेक्स पे स्टेप होगा ठीक है या फिर एक स्किप करके कूद कूद के हम सीढ़ियाँ पार करते हैं ना या फिर ये इन दोनों में से कोई एक स्टेप तो लेना ही लेना होगा तो आई हैव चॉइस फॉर एवरी स्टेप एवरी स्टेप्स आई हैव चॉइस वेदर टू टेक इट और वेदर टू स्किप इट ठीक है और अगर मैं टेक करता हूँ तो आई हैव ऑप्शन कि एक स्टेप बढ़ाओ या फिर दो स्टेप बढ़ाओ अगर स्किप करता हूँ तो क्या होगा भाई स्किप करता है तो उसके हिसाब से डिफरेंट कंडीशन तो आई गेस क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है एंड सिंस uh, हम लोग इधर क्या डिस्कस कर रहे हैं ओके okay, ये तो मेरा प्रोजेक्ट खुल गया हाँ हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे चॉइसेस राइट right? तो जब भी चॉइसेस आते हैं कीप इन माइंड चॉइसेस का मतलब हो सकता है रिकर्जन ठीक है रिकर्जन रिकर्जन क्या है एक में हम स्टेप को इंक्लूड करेंगे एक में हम स्टेप को नहीं इंक्लूड करेंगे तो वहाँ से हम अपना धीरे धीरे करके क्या अप्रोच बढ़ाना चालू करते हैं तो लेट मी क्विकली कम हेयर सबमिशन पे जाता हूँ मैं ये वाला सबमिशन खोलते हैं अपना कोड ये रहा कोड ठीक है लेट जस्ट क्लिक ऑन एडिट कोड प्रॉब्लली एडिट कोड में खुलेगा डायरेक्ट ये हाँ तो इसमें क्या है लेट जस्ट यू नो इसको मैं हटाता हूँ इसको स्किप करते हैं एंड देन विल डिस्कस ओके सो अभी क्या है ये डीपी वाला पार्ट ना इसको हटा देना ठीक तो अप्रोच इस तरीके से काम कर करे था कि भाई मेरे पास ना सबसे पहले बेस केस तो बाद में देखेंगे पहले इधर आते हैं ठीक है ये डी वाला पार्ट इसको भी हटा दो अभी के लिए ये आ गए ठीक है मैं एक इंडेक्स पे हूँ ठीक है देखो मेरे यहाँ पे दे रखा फंक्शन मिनिमम कॉस्ट लाइम सीयस तो मैंने एक हेल्प ऑफ फंक्शन बना लिया ठीक है अब हेल्प ऑफ फंक्शन भी छोड़ो जब मेरे पास दे रख है क्वेश्चन में क्या या तो मैं जीरो लूंगा या तो वन लूंगा ठीक है तो मैं ऐसे भी देख सकता हूँ इसको कि मैंने एक बंदे को कहा कि भाई तुम जीरो पे जाओ और चेक करके आओ कि तुम्हें कितना कम से कम कितना कॉस्ट लग रहे हैं ठीक है पहुंचने तक टॉप पे और फिर मैंने दूसरे बंदे को कहा कि भाई तुम वन से स्टार्ट करो क्योंकि हमारे पास ये दोनों ऑप्शन है और तुम जाके चेक करोगे तुम्हारे पास कितने स्टेप पड़ रहे हैं ठीक है कितना या फिर मिनिमम कॉस्ट पड़ रहा है टॉप पे पहुंचने के लिए दोनों ने आके आंसर दिया एक बोलता भाई मुझे तो सात टोकन देने पड़े दूसरा आके कहता है मुझे नौ टोकन देने पड़े तो ऑफ कोर्स मैं सात टोकन वाले को लूंगा राइट right? तो हमने यहाँ पे ऐसे ही अप्रोच लगाना स्टार्ट करा है वी हैव हियर मैट डॉट मिन थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा सकते हैं क्या नहीं बड़ा सकते तो कोई बात नहीं इधर आते हैं हां सो या तो हमने क्या करा मैट डॉट मीन हेल्पर फंक्शन बना लिया रिकर्जन का बेस्ट थिंग है यार ये फंक्शन क्या करा है छोड़ो अब मुझे अपने करंट काम करना है राइट तो मैंने क्या करा हेल्पर फंक्शन को कहा भाई तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो और जाके मुझे रिजल्ट ला के दूँ फॉर गेट दिस कॉस्ट कॉमर ज़ीरो ठीक है फिर मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये कोई रिजल्ट ला देगा कि भाई मेरे पास एक्स टोकन लगे हैं देन मैं अपने हेल्पर फंक्शन को कहता हूँ कि तुम ना जीरो को स्किप करो फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और फिर तुम तो मुझे कोई रिजल्ट ला दो ठीक है तो ये कोई वाइट टोकन ला देगा दोनों में हमने कंपेयर कर मिनिमम क्या है एंड वो अपने रिटर्न कर दिया अब बात आती है हेल्पर फंक्शन की इधर आता है बाई वे, अगर आपको मेमोइजेशन वाला देखना है तो मैंने कमेंट कर ही रखा है उसको हटाओगे तो मेमोइज हो जाएगा आपका टेबलेसन वाला अप्रोच देखना है तो हम रहे हैं वहाँ पे दो मिनट के अंदर फटाफट फ़ड़ इसको डिस्कस करते हैं देन उसके बाद वी हैव हेल्पर फंक्शन यहाँ पे क्या है कि भाई जो भी हमारा कॉस्ट है इंडेक्स पे ठीक है जीरो पे स्टार्ट किया है तो ऑफकोर्स जीरो कंक्लूड करेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे कदम रख दिया है ठीक है तो जैसे मैंने इंडेक्स पे कदम रखा है तो उसका कॉस्ट मैंने इंक्लूड कर लिया प्लस जैसे ही मैं उस इंडेक्स पे जाता हूँ तब मेरे पास ऑप्शन आता है राइट वेदर टू गो टू नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वन पे हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है या तो मैं अगले स्टेप अपना नेक्स्ट सी डी पे रखूँ या फिर जम करके उसके अगले पे रखूँ राइट और मुझे नहीं पता यार कि यहाँ पे तो हंड्रेड दे रखा है लेकिन एक्चुअली तो नहीं पता ना हो सकता है यहाँ पे वन होता है यहाँ पे हंड्रेड होता मिनिमम कौन सा है तो वट विल डू कॉस प्लस मैट डॉट मिनिमम हेल्पर फंक्शन अब मैंने कह दिया भाई मैंने अपना काम कर दिया ठीक है सुमित so सर्जनदार मैंने अपना काम कर दिया कॉस आई डी एक्स प्लस अब रिकर्जन को बोल दिया भाई तुम बाकी का, का काम करके दो मुझे नहीं पता मैंने अपना काम कर दिया अपने वाले स्टेप का मैंने यहाँ पे पार्ट ऐड कर दिया तो ये जाएगा मैट डॉट मिन करेगा हेल्पर फंक्शन को देने इंडेक्स प्लस वन अगली सी डी कॉमा इंडेक्स प्लस टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट सी एक सीडी जम करके दे दी अब इनमें से जो भी मिन का वो ऐड होगा मुझे आंसर मिल जाएगा प्रेजेंट का, का काम करो फ्यूचर का, का काम छोड़ दो रिकर्जन पे अगर मैं इस कोड को रन करता हूँ ना तो सैम्पल टेस्ट केस तो रन हो जाएंगे कोई दिक्कत ओके डी पी यहाँ पे आ गया इसको ऐसे ही कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता रन करते हैं अभी मुझे हटाने पड़ेंगे सारे के सारे क्या फर्क पड़ता है हाँ तो अभी उसका कोई आ, यहाँ पे योगदान नहीं है ठीक है really, you know, uh, तो देखो अपना टेस्ट एग्जाम्पल रन करेगा बट देन देर आर सर्टेन टेस्ट, टेस्ट जो फेल होंगे जिसमें हमें टी ली आ जाएगा राइट क्योंकि तो एक्सपोनेंशियल हो रहा है दो ऑप्शन आ रहे हैं अपने वो choices. और एक्सपोनेंशियल आपको पता ही है उसका ग्राफ कैसे होता है ग्राफ पूरा एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिखा देता हूँ जस्ट इन केस अगर ये मेरे पास टेट से ग्राफ है तो एक्सपोनेंशियल ऐसे बढ़ता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है विथ नंबर ऑफ तो देखो टी एल ई आ गया टी एल ई किस में आया इस केस में आया है बेस्ट थिंग है मैंने यहाँ पे केस निकाल के भी रखा है कॉपी करो इधर आओ टेस्ट केस में एंटर करो एंड देन पेस्ट इट फिर रन करके देखो टी एल ई आएगा राइट सो अब टी एल ई को ठीक करने के लिए करा देखो अगर मैंने यहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट करा है तो इसका ऑप्शन इस क्या है वन पे जाने का और टू पे जाने का बाद में राइट right? अगर मैंने इसको वन से स्टार्ट कर इस ऑप्शन क्या है नेक्स्ट स्टेप के लिए टू पे जाने का थ्री पे जाने का तो कहना ही से कि मेरे हेल्पर फंड टू वाला स्टेप जो है बार बार रिपीट करना पड़ रहा है तो रिपीटेड टास्क है वट वी कैन डू हम एक यहाँ पे मेमोराइजेशन एरिया का यूज़ करते हैं नाम इसका डी रखा है एम ई एम ओ रख देना है या फिर आपको जो भी मन लगे उसका मैंने इसको फिल कर लिया माइनस वन से ठीक है जस्ट टू आइडेंटिफाई अगर मैं यहीं पे कैपिटल आई से इंटीजर लिख देता पूरा तो मेरा बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल रहता है मैं नल को कंपेयर करके कर लेता वो भी तरीका है ठीक है थोड़ा सा ये फिल वाला लाइन बचाने के लिए उसके बाद यहाँ पे हमने इफ कंडीशन डाल दिया कि भाई अगर मेरे डी ऑफ इंडेक्स में कोई वैल्यू पड़ी है फॉर एग्जाम्पल जीरो वाला टू का काम कर दिया है यानी कि टू पे जो भी मिनिमम होना चाहिए उसका वैल्यू ला दे चुका है मेरे डी पी में ठीक है तो मुझे सीधे वो रिटर्न करना है मैं दोबारा थोड़ी रिकर्शन कॉल लगाऊंगा तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया अब इसको सेव कैसे कराना है यहाँ पर आओ डी पी ऑफ आई डी एक्स इंडेक्स में सीधे वैल्यू स्टोर करा दो ठीक है रिटर्न करने को रहे। तो ये लाइन क्या करेगा पहले वैल्यू को स्टोर कराएगा फिर रिटर्न कराएगा वैल्यू को राइट right? पहले जो भी वैल्यू उसको स्टोर कराएगा फिर रिटर्न कराएगा तो हमने इतना सा करा है अपने में अब रन करते हैं टीएल वाला केस चल जाना चाहिए बिल्कुल चल जाना चाहिए देखो एक्सेप्ट हो गया सबमिट करके भी देख लेते हैं कोर्स सबमिट भी होगा ठीक है सबमिट हो गया फोर्टी सिक्स परसेंट नाउ ये तो था अपना मेमोइजेशन अब टेबले वाले पे आते थोड़ा सा टेबलेशन वाला देखो टैबलेशन वाला तो सबमिट भी कर रखा है यहाँ पे अभी अभी लेट्स जस्ट डू वन थिंग से होते हैं ओके सो वी एन एरे ठीक है डीपी अब यहाँ पे मैंने कॉस प्लस वन कर रखा है क्यों कर रखा है कोई जरूरत नहीं आई सिक्स इसके बिना भी चल जाना चाहिए लेट जस्ट रन इट हाँ कोई जरूरत नहीं था क्योंकि हम वहाँ पे जा ही नहीं रहे ठीक है तो इस केस में क्या करा कॉल लेंथ कर दिया ठीक है मैंने बना दिया कि हाँ भाई हर एक स्टेप के लिए मुझे मिनिमम चाहिए कि कितना लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में उसके बाद वी हैव इन टेन ठीक है एन मैंने ऐसे रख रखा है अपने पास कि भाई मुझे लास्ट इंडेक्स की वैल्यू पता चले क्योंकि रिटर्न में क्या करूँगा लास्ट इंडेक्स रिटर्न करूँगा राइट या फिर उससे कम वाला ये क्यों है बताते हैं अभी तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट जस्ट यू नो टॉक अबाउट दिस कोई केस उठाते हैं ये वाला केस टेन फिफ्टीन अगर मुझे कोई ये बोलता कि यार ये जीरो इंडेक्स पे पहुंचने के लिए कितना लगेगा तो जीरो पे पैर रखूंगा तो कॉस्ट ऑफ जीरो लगेगा राइट अगर मैं यहाँ पे पैर रखूंगा फर्स्ट इंडेक्स वाले पे तो कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ही लगेगा क्योंकि मैं डायरेक्ट जीरो या वन से स्टार्ट कर सकता हूँ तो यहाँ तक तो मेरा क्वेश्चन था बट अगर मैं ये कहता कि ट्वेंटी वाले स्टेप पे यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा तो मैं डायरेक्ट ट्वेंटी पे तो नहीं पहुँचूंगा ना इसके लिए मुझे पास्ट वाले को कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड करना पड़ेगा राइट दिस मेक सेंस जो मैंने बोला अब इसमें क्या है अगर मैं किसी तरह करके इससे जस्ट कम वाले का ठीक है और यहाँ वाले का मिनिमम कॉस्ट निकाले था और इनमें से देखता सबसे कम कौन सा अगर यहाँ तक पहुँचने में मिनिमम है तो ट्वेंटी तक में कौन सा मिनिमम रहेगा इसी को ऐड करेंगे राइट अगर उससे कम यहाँ पर आता देखो सिंपल सी बात है ट्वेंटी तक पहुँचने के लिए क्या है यहाँ से मैं दो स्टेप लेके कर ट्वेंटी पहुँच सकता हूँ फिफ्टीन से मैं एक स्टेप लेके ट्वेंटी पहुँच सकता हूँ राइट तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा मुझे उसी का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करना है तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कोड में भी करा अपने डी पी एफ जीरो को रख लिया कॉस्ट ऑफ जीरो डी पी एफ वन को रख लिया कॉस्ट ऑफ वन लूप चला दिया यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम टू राइट और डी पी एफ में क्या स्टोर करा कॉस्ट ऑफ फाइव क्यों क्योंकि जो भी वो स्टेप है उसका तो पैसा ऐड हो ही रहा है प्लस मैट डॉट मेमो वट उससे एक गम वाला और उससे दो गम वाले ठीक है बेसिकली एक स्टेप नीचे और दो स्टेप दूसरा स्टेप जो है एक स्टेप छोड़ के जो है राइट एक स्टेप जम करके हम आगे बढ़ रहे हैं उन दोनों में देखा मिनिमम कौन सा है जो भी मिनिमम है उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और अपने डी पी को पॉपुलेट कर दिया अब रिटर्न क्या करा रहे हैं हम डीपी अब देखो सिंपल सी बात है मैं ना यहाँ पे जब यहाँ पे हमने प्लस वन करा था हम प्लस वन भी कर सकते थे एंड इसको इक्वल कर देते और यहाँ पे करते हैं डी पी ओफ आई मैट डॉट पिन कॉस्ट ये हाँ अब बस और बस यह कॉस्ट ऑफ आई में प्रॉब्लम आ रहा ठीक है यहाँ पे हमें चेक करना पड़ा कि भाई ये जो है लेंथ तक तो नहीं पहुँच गया अगर नहीं पहुँचा है अगर पहुँच गया है तो इसको ऐड नहीं करना होता तो एक्स्ट्रा केस आता है इसलिए हमने नहीं, नहीं करा है यहाँ पे नाउ रिटर्न क्या कर रहे हैं मैंने डी पी ओफ एन क्यों नहीं रिटर्न करा इधर क्योंकि मुझे चेक करना है मिनिमम कौन सा है वाई क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि आपको ये पार करके इधर पहुंचना है खाली एरिया में तो खाली एरिया के लिए कहाँ मैं यहाँ से भी जंप कर सकता हूँ दो स्टेप और यहाँ भी अगला स्टेप लेके पहुँच सकता हूँ तो इन दोनों से जो भी मिनिमम होगा वो हो रिटर्न करना है तो मैट डॉट प्रिंट करके हमने रिटर्न कर दिया लेट सबमिट इट ये सबमिट हो जाएगा थैंक यू सो मच बहुत नींद हो तो आई ट्राइड थोड़ा एक्सप्लेन करने का uh, कोई भी डाउट होता है डू लेट मी नो एंड आई ट्राई टू मेक बेटर वीडियोज बेटर एक्सप्लेनेशन सो थैंक यू सो मच